मध्य प्रदेश की कटनी पुलिस सुस्त और बदमाश ज्यादा चुस्त नजर आ रहे हैं। ताजा मामला माधवनगर थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां आधे दर्जन आरोपियों ने एक ऑटो चालक और उसकी पत्नी के साथ मारपीट करते हुए 5,000 रुपयों की लूट की है और मौके से फरार भी हो गए। पीड़ित रामदीन यादव ने बताया कि वह अपनी पत्नी को इलाज करवाने शहर जा रहा था, तभी बड़खेड़ा चौराहे पर उसके अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। आपको बता दें कि कटनी जिले में पिछले 2 दिनों में 3 लूट की वारदातें सामने आ चुकी हैं, जिसमें 2 कोतवाली तो 1 माधव नगर की शामिल है। कटनी से जाहिद हुसैन सिद्दीकी की रिपोर्ट। मैं दवाई कराने ले आता रहा बीवी को, तो इतने में पहले मेरे से 2-3 दिन पहले पैसा मांग रहे थे, तो मैं नहीं दिया। गांजा पीने को, दारू पीने को, अब इनकी ऐसे विवाद, फिर सवारी मेरी उतार ली है। मैं कुछ न बोल दे, बहन बेटी मेरे को गाली देते रहे। मैं फिर सारा भूरे, अभी इनको दवाई कराने ले जा रहा, मेरे को बड़खेरा में सब लोग मिल के बहुत मारे। लोग रहे 8-9 जन रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हो? बड़खेरा के रहने वाले हैं। आपको जानते हैं? मेरे को जानते हैं। वो लोग कौन है, उनको जानते हैं? मैं नहीं जानता। किसी कोई पुराना विवाद नहीं? पुराना विवाद नहीं रहा। मामले की शिकायत कर दी अभी वहाँ से, बोले कि आप जाओ दवाई कराओ। मतलब शिकायत और एफआईआर नहीं हुई? अभी वहाँ नहीं हुई। कितना पैसा छीन लिया आपसे? 5,000 रुपये छीने मेरे से।